नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी यूपीएससी में। तो आज का हमारा टॉपिक्स है आर्टिकल 19 को कैसे हम याद रखें। इसके जितने सब पार्ट हैं आज के वीडियो के बाद आप भूल नहीं पाएंगे, इतना तो मैं गारंटी देता हूं। और चलिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सा आर्टिकल कौन सा पार्ट किस लिए है। तो आर्टिकल 19A जो है वो है बोलने के अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बी जो है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन या सभा का अधिकार देता है, और 19C जो है आपको संघ बनाने की आज़ादी देता है, और 19D जो है पूरे देश में आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं बिना किसी बाधा के, और 19E जो है पूरे देश में कहीं भी आप जाकर बस सकते हैं, और 19F जो है संपत्ति का अधिकार देता था, लेकिन ये जो है 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया। 300 का जो है आर्टिकल इंसर्ट कर दिया गया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो और नेक्स्ट जो है 19G की बात करता है कि कोई भी व्यापार जीविका कहीं भी आप पूरे देश में आप कर सकते हैं। तो अब ट्रिक्स की शुरुआत करते हैं। ट्रिक्स क्या है उसको हम थोड़ा जान देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि खूब बोलो, यानी कोई भी इंसान बहुत बोलता है, यानी कि उसके बाद खूब बोलने के बाद वो शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद संघ बना लेता है, संघ बनाने के बाद आबाद घूमता है, और जहाँ मन वहाँ बस जाता है, फिर उसके बाद बसने के बाद जहाँ मन जो मन सो व्यापार करना वो शुरू कर देता है। कि यानी खूब बोलो से आर्टिकल का जो पार्ट है जितना मन उतना बोलो भाई, वो 19A हो गया। और शांत हो जाओ, शांत यानी शांतिपूर्वक निर्विघ्न कोई भी सभा या सम्मेलन आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा बी। जब शांति के बाद आप जब देख लिए कि सभा बना लिए, उसके बाद अब क्या है कि अब एक संघ बनाना है, संघ बनाने के लिए आपका ये हो जाएगा सी के बाद, सी हो जाएगा। और जब संघ बना लेते आप मजबूत हो जाएंगे, मजबूत होने के बाद आप जहाँ मन चाहो वहाँ घूम सकते थे, यानी कि जब ये आर्टिकल 19D हो गया और जहाँ मन तहाँ घूम सकते हैं, तो इसका मतलब फिर जहाँ मन तहाँ जाएंगे वहाँ बस भी जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक यूनिटी होगी। तो ये आपका आर्टिकल हो गया 19E। और जब आपको यह पता है कि वो संपत्ति का अधिकार है, वो इसको 44 अमेंडमेंट के थ्रू उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको 300 का के विधिक अधिकार दे दिया गया। उसके बाद लास्ट आर्टिकल आता है 19G, जो देता है कि जो मन सो आप व्यापार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है कि आप को वीडियो पसंद आया होगा, और इतना ही नहीं ये दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। और आज के ट्रिक्स एंड टिप्स में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।